नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार नेपोटिज्म पर बयान दे रही हैं और उन्होंने करण जौहर समेत कई ऐसे लोगों पर निशाना साधा है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। वहीं अब साउथ की एक्ट्रेस मीरा मिथुन कंगना रनौत पर भड़क गई है। दरअसल कंगना से मीरा की नाराजगी उनकी अगली फिल्म थलाइवी को लेकर है, जिसमें वो तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाती दिखेंगी। आखिर क्यों मीरा मिथुन ने कंगना के खिलाफ बयानबाजी की है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल हुआ यूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे पर विवाद छिड़ गया। इस पर कंगना रनौत ने कई वीडियो जारी कर उनकी मौत को लेकर बॉलीवुड में मौजूद नेपोटिज्म की ओर इशारा किया था। इसके साथ ही सैफ अली खान ने भी नेपोटिज्म को लेकर हाल ही में बयान दिया था और इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। नेपोटिज्म पर बवाल की आंधी अब साउथ इंडस्ट्री तक पहुंच गई है। एक्ट्रेस मीरा मिथुन ने खुद को नेपोटिज्म का शिकार बताया है। इसी के साथ उन्होंने थलाइवी के रोल के लिए कंगना पर भी निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे लगता है कि मिस कंगना रनौत अपने सहयोगी SSR के निधन पर बेशर्मी से अपना प्रचार कर रही है। जब वो जीवित थे तब आप उसके लिए आवाज निकाल सकते थे। प्रचार के लिए जो किसी भी तरह से कुछ भी करने के लिए तैयार हो वो निश्चित रूप से मिस कंगना है। क्या मुझे ये भी कहना चाहिए कि आपके लिए सामग्री किसने लिखी है? वहीं उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि असली नेपोटिज्म की शिकार तो मैं हूं यहाँ। कंगना, आपके पास ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आप हमारी महान तमिलनाडु की CM जयललिता का रोल निभा रही हैं? बॉलीवुड की पॉलिटिक्स की वजह से आप यहाँ तक पहुंची और CM का ये रोल पा लिया। शर्म है आप पर कि आपने ऐसी महान पढ़ी लिखी और बहादुर महिला का रोल लिया जिससे आप कहीं से भी मैच नहीं करती। मेरी प्यारी मरहूम CM के लिए शर्म की बात है। बता दें कि मीरा साउथ एक्ट्रेस सुपर मॉडल होने के साथ साथ प्रोफेशनल डांसर, बिजनेस वुमन और पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट भी हैं। बता दें कि मीरा कमल हसन के होस्ट किए तमिल बिग बॉस Season 3 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। इस शो के समय से ही मीरा काफी ज्यादा चर्चाओं में रही। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मीरा मिथुन की बातों पर कंगना कैसे रिएक्ट करती है।